आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि DAA के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में DAA की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा DAA केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAA फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। और यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट में है कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है और प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। और इसमें टर्मिनल साइड्स जो हैं अल्फ़ा और बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। क्वाड्रेंट का यहाँ जिक्र क्यों किया गया है? क्वाड्रेंट का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस फाइंड करेंगे उनके साथ प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4 का। तो इसमें आप हर एक क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस देख रहे हैं जिनके साथ जो प्लस नेगेटिव के साइंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम प्लस हैं, इसी तरह बाकियों के साथ जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो जिस क्वाड्रेंट का जिक्र होगा फिर उसी हिसाब से हम उनके साथ जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हासिल होंगी उनके साथ प्लस या नेगेटिव लगाएंगे। तो अभी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहा जा रहा है और जितनी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे उनके साथ प्लस लगाएंगे उनके आंसर्स में। तो ये बात क्वाड्रेंट की हो गई। अब हमने क्या करना है कि हमने कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं हैं। और वो इसलिए हम फाइंड करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में आप काफ़ी फार्मूलास देख चुके हैं जिनमें साइन और फिर उसके ब्रैकेट में अल्फ़ा नेगेटिव बीटा होता है या उसमें प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है या फिर इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा नेगेटिव बीटा, फिर इसी तरह टेन अल्फ़ा नेगेटिव और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस तरह के फार्मूलाज हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हमें यहाँ पे कॉस दिया गया है तो हमें जो है वो साइन फाइंड करना होगा। तो इस वजह से हम साइन अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करेंगे। करेंगे कैसे? स्टार्ट कैसे लेंगे? स्टार्ट हम इस तरह लेंगे कि जो कॉस यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और कॉस का जो फार्मूला है, कॉस का क्या फार्मूला है हमारे पास है कि जो यहाँ पे लिखा भी है कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/7। 1 यहाँ पे हमारे पास बेस में था और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो कॉस किसके इक्वल होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। तो जिसके कॉस इक्वल होता है वही हम वैल्यूज़ उनको असाइन कर देंगे। ऊपर वाला हमारे फार्मूले में बेस है तो 1 बेस को दे देंगे और 7 हाइपोटेनस को दे देंगे। बिल्कुल यही काम हमने दूसरी ट्रायंगल के साथ भी करना है, बीटा वाली के साथ। वहाँ पे उसकी वैल्यू 13/14 है। तो कॉस का हमने फार्मूला देखना है, कॉस किसके इक्वल होता है जी? दोबारा बेस और हाइपोटेनस के। तो ऊपर वाली वैल्यू हम बेस को दे देंगे और नीचे वाली हाइपोटेनस को दे देंगे। तो इससे पहले भी हम कुछ सवाल ऐसे कर चुके हैं, यकीनन वो आपके माइंड में होंगे। आई थिंक 8th या 9th क्वेश्चन था। तो उसमें भी हम बिल्कुल यही प्रोसेस जो है वो बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको रिविज़िट भी कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने ट्रायंगल तो हमने बना ली हैं, हमारा अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू आ चुकी हैं और एक एक साइड की रह गई हैं। तो यहाँ पे अब हम फीथागोरस के कानून की मदद से इसकी तीसरी वैल्यू भी निकालेंगे, पहली ट्रायंगल की भी और दूसरी ट्रायंगल की भी। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कि फीथागोरस का जो कानून है ये ट्रायंगल्स के लिए ही है और थर्ड साइड निकालने के लिए ही है। तो इसमें इस कानून में हाइपोटेनस को एक साइड पे और बाकी दो साइड्स को दूसरी साइड पे रख के प्लस और फिर उनका स्क्वायर लिया जाता है, और जो भी वैल्यूज़ दी गई हों चाहे वो कॉस की वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दी जाएं, साइन की लगा दी जाएं, तो या फिर टेन की लगा दी जाएं, तो हम उन वैल्यूज़ को लेके यहाँ पे पुट कर देते हैं और पुटिंग के बाद हम कोई ना कोई आंसर हासिल कर लेते हैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद। और यही काम हमने इधर भी करना है और इस तरह हम पी की वैल्यू 4 और √3 हासिल कर चुके हैं और इसी तरह यहाँ पे पी की वैल्यू 3√3 हासिल कर चुके हैं। तो पी का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। आप अपनी इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें तो जहाँ जहाँ पे पी लिखा है वहाँ पे जाके ये वैल्यू डाल देंगे। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हैं वो हम हासिल कर चुके हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं और अगर हमारे पास ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज़ मौजूद हों तो फिर हम कॉस की तो हमारे पास अवेलेबल हैं, हम साइन की भी लिख सकते हैं, टेन की भी लिख सकते हैं। ट्रायंगल के बारे में हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन। तो साइन की यहाँ, कॉस की यहाँ पे दी गई हैं और साइन की हम खुद फाइंड कर लेंगे। साइन का फार्मूला पता होना चाहिए कि वो कौन सी दो साइड से मिल के बना है। तो साइन जो है वो है P/H यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अभी मालूम की है 4√3 और ये हम ऊपर लिख देंगे और हाइपोटेनस की नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन बीटा की वैल्यू अगली डायग्राम से हासिल करनी है, तो वहाँ पे भी P/H होगा। P की वैल्यू हमने 3√3 मालूम की है तो यहाँ पे लिख देंगे और H की। तो इस तरह हम जो है वो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यू हासिल कर लेंगे। यही हमारा टारगेट होता है। अगर सवाल के अंदर कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा दिया गया हो, उनकी वैल्यूज़ दी गई हों, तो फिर हम उसके अगेंस्ट साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की वैल्यूज़ मालूम करते हैं मोस्टली। और अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा और साइन बीटा होता तो हम इसके अगेंस्ट कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ मालूम करते। तो इनके मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है। जस्ट हमने ट्रायंगल्स बनानी है, फीथागोरस का कानून लगाना है और जैसे ही तीसरी साइड्स हमारे पास आएगी तो हम बाकी दो की वैल्यूज़ यहाँ पे उस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दी। अब हमने जो है वो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड, आप देखें, अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूलाज थे वो इस ब्रैकेट के बाहर साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, तो क्यों हम जो है वो साइन और कॉस दोनों को ट्राई करें और जो हमें आंसर देगा फिर हम वही यूज़ करेंगे। तो हम पहले साइन का जो है वो यूज़ करते हैं। तो इन अल्फ़ा जो साइन का फार्मूला है वो हम लगा देते हैं, साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा। तो इसको हम ओपन करते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा नेगेटिव कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हैं साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की और हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की मौजूद हैं, इन चारों को पकड़ के हम इस फार्मूला में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की जगह पे डाल देंगे। डालने के बाद हम इन दोनों का आपस में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उनको भी कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एक एलसीएम जैसी कंडीशन पैदा हो जाएगी और एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम लेना कौन सा मुश्किल काम है। एलसीएम के अगेंस्ट हमें √3/2 मिलेगा, जबकि लेफ़्ट साइड है वहाँ पे वो फार्मूले की जिस तरह लेफ़्ट साइड है साइन अल्फ़ा नेगेटिव बीटा वो मौजूद है। तो हमें अब क्या चाहिए, हमें जस्ट अल्फ़ा नेगेटिव बीटा चाहिए, ठीक है, हमें साइन नहीं चाहिए। तो साइन का हम क्या करेंगे, साइन हम लेके जाएंगे दूसरी साइड पे। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी जगह चेंज करके लेफ्ट या राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो वो इनवर्स बन जाता है, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाती है। तो इसकी अपनी एक हम वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। तो इनको 3 का आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर वहाँ पे साइन इनवर्स भी होता है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, तो वहाँ पे आप वो प्रेस करके इसकी वैल्यू प्रेस करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। तो इस तरह जो है वो हमने अल्फ़ा नेगेटिव बीटा की वैल्यू हासिल की। आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे पास एक कॉज वाला फार्मूला भी है, कॉज अल्फ़ा नेगेटिव बीटा, तो वो हमने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे सपोज़ लिखा है, आप दोनों को करके देख लें, आपको जो भी एक्यूरेट रिज़ल्ट दे। तो बेहतर ये है कि जिसकी हमें एक तो सवाल में दी गई हैं वैल्यूज़, उसके अगेंस्ट दूसरा मालूम कर लें तो यकीनन आपको जवाब मिल जाएगा। तो सपोज़ लिखा है, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन दोनों अगर प्रोसेस कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरफ चलना है। तो ये प्रैक्टिस भी होती है, मैथमेटिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके माइंड में जो ट्रिक्स हैं और जो वहाँ पे हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि पेपर पे इतना टाइम नहीं होता कि जो है हर बंदा वो उधर अलामा बने। तो इस वजह से जो प्रैक्टिस करेगा उसके माइंड में ये बातें होंगी कि मैंने अब नेक्स्ट कैसे चलना है। तो ये भी लंबा प्रोसेस है, यानी साइन की जगह कॉज को हम फिट करके फिर प्रोसेस करें तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो बेहतर है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें और कुछ चीज़ें माइंड में रखें कि हमने आगे कैसे चलना है।